नमस्कार ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका दोना स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रन थ्रू लाइन बनेगी उस पर अभी कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं बाएं हाथ पर आपको जंक्शन बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे और सामने जो दिशा हो जाएगी भोजीपुरा जंक्शन की हो जाएगी इस तरफ दोहना स्टेशन पर कार्य बीच बीच में रुक जाता है और अगर देखा जाए इस हॉल्ट को क्रॉस स्टेशन बनाने में काफी अधिक समय लग गया यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने स्टेशन की दिशा है सिग्नल आपको दिख रहा होगा नए सिग्नल्स यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए गए हैं लगा लिए गए हैं फिक्स कर लिए गए हैं अभी इनको कनेक्ट किया जाएगा और नॉन इंटरलॉकिंग का जब काम यहाँ पर होगा ट्रैक्स को आपस में जोड़ने का वो भी अभी किया जाना बाकी है और समय बहुत अधिक लग रहा है मुझे लगता है कि अब इस कार्य को भी रेलवे को जल्द से जल्द जो ठेकेदार यहाँ पर कार्य करा रहे हैं इस कार्य को अविलंब अब फिनिश करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम लग चुका है इस स्टेशन के ऊपर अगर हम बात करें और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की जो स्थिति है वो भी कमोवेश वैसे ही है जैसा पूर्व में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर देखिए जो कैची बनेगी किस प्रकार से ट्रैक को यहाँ पर बिछाया जाएगा अभी इसको जोड़ा जाना बाकी है क्योंकि अभी एक लाइन पर ही यहाँ पर सारा ट्रैफिक जो हमारा मूवमेंट है ट्रेन्स का वो चल रहा है और यहाँ पर बीच में ये रंथ्रू लाइन हो जाएगी जिसको आगे दूर पर वहाँ कनेक्ट कर लिया जाएगा मेन ट्रैक में और ये लूप लाइन्स दोनों तरफ प्लेटफॉर्म्स पर फिर हो जाएंगी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों की अगर हम बात करें तो अभी वो भी सब अधूरा पड़ा है आप देख सकते हैं क्रॉस बार्स लग गई हैं लेकिन अभी ड्रॉप आर्म्स ब्रैकेट्स और वायरिंग का काम जो किया जाना है प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ और हमारी जो रन थ्रू लाइन फिर हो जाएगी यहाँ पर वो अभी बाकी है ये वीडियो भेजा है अनमोल ने और आप लोग भी चाहें अगर तो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े वीडियोस मुझे भेज सकते हैं चौरासी एक सौ सत्तर बीस तीन सौ बीस पर ये मेरा नंबर है शुरू में वीडियो में आया होगा आप उसको नोट कर सकते हैं तो ये जैसा आप देख सकते हैं कि जो दोहना स्टेशन है यहाँ पर कार्य जो है जिस प्रकार से चल रहा है अब हम दूसरे छोर पर पहुँच गए दूसरे एंड पर ये ट्रैक यहाँ पर देखिए इस तरह से रन थ्रू लाइन हो जाएगी साइड में यहाँ पर बैलास्ट काफ़ी पड़ा हुआ है आपको दिख रहा होगा क्योंकि आगे यहाँ पर लिमिटेड हाइट सबवे भी बनाया जा रहा है एक तरह से जो अंडर पास होता है ताकि नीचे से लोग निकल सके उसकी भी यहाँ पर तैयारी पूरी करी गई है हाल ही में उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ट्रैक को ऊपर से हटा करके अभी ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल देखिए ट्रैक के बीचो बीच आ रहा है यहाँ पर तो ये सिग्नल भी शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पर रन थ्रू लाइन देखिए इस प्रकार से आएगी और अभी ट्रैक वर्क यहाँ पर कमोवेश वैसे ही है जैसा पूर्व में हमने दिखाया था बहुत ज़्यादा चेंज अभी नहीं हुआ है क्योंकि कार्य यहाँ पर अभी बाकी हैं और देखना होगा अभी कितना समय और लग जाएगा इन कार्यों को पूरा करने में क्योंकि बीच बीच में धोना स्टेशन पर कार्य जो है वो रुक जाता है ये हमारा मेन सिग्नल है अभी जिससे कि ट्रेन्स का जो मूवमेंट है वो चल रहा है और यहाँ पर चूंकि देखिए अलाइनमेंट आ रहा है ट्रैक का तो ये शिफ्ट होगा यहाँ से हटेगा तो ये सारे कार्य अभी धोना में होने हैं बाएं हाथ पर टोल है और टोल प्लाजा जहाँ पर है उसके ठीक दाहिने हाथ पर अगर आप नैनीताल की दिशा में जाएंगे तो धोना स्टेशन पड़ता है और ये अंडरपास देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे लिमिटेड हाइट सब जो बनाया गया है सड़क के नज़दीक ट्रैक के नीचे से यहाँ पर रास्ता निकाला गया है तो ये सारे कार्य अभी यहाँ पर होने हैं और बीच बीच में चूँकि काम बंद हो जाता है इसलिए समय बहुत अधिक लग गया है यहाँ पर दोना स्टेशन पर ये सामने देखिए दोना स्टेशन का साइन बोर्ड आपको दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म तो ट्रैक वर्क की जो ताज़ा स्थिति है ट्रैक के कार्य जिस प्रकार से यहाँ पर किए जाने भी बाकी हैं ये आप देख सकते हैं ये हमारी मेन रन थ्रू लाइन हो जाएगी फिर जिस पर अभी खड़े होकर के हम शूट कर रहे हैं और लूप लाइन यहाँ से आगे कटेगी जो प्लेटफॉर्म पर जाएगी यहाँ तक क्रॉस बार्स लग गए हैं लेकिन अभी ड्रॉप आर्म्स वगैरह और जो वायरिंग है वो बाद में की जाएगी जब ये ट्रैक के कार्य कंप्लीट हो जाएंगे इनको लिंक कर लिया जाएगा तो उसके बाद फटाफट से वायरिंग का काम जो है वो कर लिया जाएगा रेल्स यहाँ पर रखी हुई हैं इधर लेवल क्रॉसिंग है तो छुटपुट कार्य जो है वो तो अभी स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर भी बचे हैं लेकिन बाकी जो हमारा जो मुख्य ट्रैक का काम है जिससे कि फिर ये दोहना हॉल्ट जो है वो क्रॉस स्टेशन बन जाए इसमें काम बीच बीच में ये मजदूर यहाँ पर रुक जाता है तो बहुत विलम्ब हो रहा है अब उम्मीद करते हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी रेलवे ख़त्म करे